इराक में बन रहे हैं श्रीलंका जैसे हालात। सैकड़ों मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत पर किया कब्जा। मोहम्मद अल सुदानी की वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए नामजदगी की कर रहे हैं मुखालफत। मगरब किनारे और मकबूजा बैतुलमक़दस में बढ़ी फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की कार्रवाइयाँ। झड़पों में एक यहूदी आबादकार और एक इसराइली फ़ौजी हुआ जख्मी। क्या अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के दौरान उन पर चीन कर सकता है हमला? उठ रहे हैं सवाल। पेंटागन ने हिफाजती इकदाम किए सख्त। अकलियतों पर दर्जनों हमले में हलाकतों के कई वाकयात, लेकिन मोदी हुकूमत के पास नहीं है कोई डेटा। मरकजी अकलियती वजीर का जिम्मा संभाल रही स्मृति ईरानी ने कहा, रियासती हुकूमतों के पास होता है डेटा, मरकज के पास नहीं। राजस्थान के हनुमानगढ़ के दो गांव में गौकशी को लेकर लोगों का पुरतशद्दुद एहतजाज। पुलिस पर किया जय श्री राम का नारा लगाते हुए पथराव। गांव में लगाया गया कर्फ्यू, इंटरनेट कर दिया गया बंद। और बीजेपी एमपी वरुण गांधी ने अपनी ही हुकूमत पर उठाए सवाल। कहा, 1 करोड़ खाली जायदादों पर 22 करोड़ नौजवानों ने किया अप्लाई और सिर्फ 7 लाख को मिला रोजगार, इसका जिम्मेदार कौन?